हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6। ये पार्ट 3 है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो इंसानों के न्यूट्रिशन की बात करनी है हमें इस वीडियो में। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो एक एलिमेंट्री कैनाल नाम की एक लंबी सी ट्यूब होती है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है, वो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो वो आपके माउथ से लेके यहाँ नीचे एनस तक होती है। ये पूरी जो ट्यूब है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है एलिमेंट्री कैनाल, तो आप बता देना इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। वी कैन सी दैट ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसा कि हमें इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि ट्यूब्स के अलग अलग हिस्से हैं और हर अलग हिस्से का अलग काम है, अलग फंक्शन है। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. तो जब हम अपना खाना मुंह में लेते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं या फिर चबाते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? इसोफेगस के थ्रू खाना जाता है, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है, इसे हम अब देखने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी दी गई है, तो हम भी उस एक्टिविटी को पहले पढ़ लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी। देखो एक्टिविटी 6.3 है हमारी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ले ली। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब का शेप ऐसा होता है, चलो टेस्ट ट्यूब ले ली दो हमने। उसके अंदर हमें क्या लेना है, 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है। तो हमने 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, जो ए है, ए टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हम अपना सलाइवा डाल देंगे। सलाइवा क्या होता है, लार बोल लो, थूक बोल लो, जो आपके मुंह में होता है ना पानी पानी सा, दैट इज सलाइवा, उसे डाल देना है सिर्फ एक में। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन डालना है। अलग अलग कलर ले रही हूँ, ठीक है। आयोडीन हमने अब दोनों के अंदर डाला, बस ए वाले के अंदर हमने एक चीज एक्स्ट्रा की थी, दैट इज सलाइवा डाल दिया था। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। अब हमने ये पहले पढ़ रखा है कि अगर किसी चीज में स्टार्च प्रेजेंट है और उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही था, स्टार्च मौजूद था बी में और हमने ऊपर से आयोडीन डाला तो ब्लू ब्लैक हो गया। लेकिन इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि कलर वैसा ब्लू ब्लैक नहीं आया, कुछ चेंज हुआ है। कुछ चेंज क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमने भी तो कुछ चेंज किया, हमने इसमें एक्स्ट्रा सलाइवा डाल दिया था। तो देखते हैं कि सलाइवा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंजेस आ गए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। देखो हम बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं लेकिन उसे एक ही ट्रैक्ट में से होके पास करना पड़ता है, दैट इज हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। अब देखो खाना जो हमारे अंदर पचता है, जो भी प्रोसेस चलती है, उसके अंदर क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को फर्दर स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम अपने मुंह में खाना रखते हैं तो हमारे दांतों की मदद से खाने को चबाया जाता है, तो जो हम बाइट्स खाते हैं वो और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं मुंह के अंदर। हमारे जो मुंह के अंदर जो कैनाल होता है, लाइनिंग्स होती हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से खाना गीला हो जाता है तो स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, है ना, जो हमें पसंद है, तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना कुछ अच्छी सी चीज देख के। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो पानी आता है हमारे मुंह में कुछ भी टेस्टी सा देख के, ये सिर्फ एक पानी नहीं है,
ये एक फ्लूइड है, सलाइवा है, लार है, ठीक है, जो कि किसके अंदर रहती है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होती है, और ये बहुत जरूरी होती है और इसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. इंजेस्ट समझ रहे हो ना, मुंह में जो हम रख रहे हैं, दैट इज इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. फूड कैसा रहता है जो हम खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, हमें उसे सिंपल नेचर में करना रहता है, तभी वो अच्छे से पचेगा. इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अगर खाने को पचाना है, एब्जॉर्ब करना है, तो आपको उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना होगा. ये कैसे होता है? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को, कैटल क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस को तेज कर देती है, और जो बायो कैटलिस्ट होगी उसे हम एंजाइम कहेंगे. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. अब याद रखना, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, इसके अंदर जो एंजाइम होती है उसे हम सलाइवरी एमिलेज कहते हैं. अब ये क्या काम करती है, ये जो स्टार्च होता है, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं, उसके अंदर अगर ये जो स्टार्च है उसको छोटे पीसेस में तोड़ देती है, सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है. और ये जो खाना होता है हमारी सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और क्या होता है फिर, हमारे माउथ में घूमता है, जब आप करते हो, चबाते हो, होता है ना पूरे मुंह में खाना घूमता है, जब हम दांतों से चबाते हैं, हमारी जीभ भी रहती है, इस तरीके से मिक्स होके पेस्ट सा बन जाता है. इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट. ये बहुत जरूरी होता है कि एक रेगुलेटेड मैनर में जो खाना है हमारी ट्यूब में जाए, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं जाएगा, जो भी रेगुलेटेड मैनर है उसमें अगर नहीं जाएगा तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, होती हैं कई भाई, पेट में दर्द या पेट कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं. द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. दीज पैरिस्टेलिटिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, ठीक है. सो पैरिस्टेलिटिक मूवमेंट समझ रहे हैं आप, जैसे कि हम खाना खाते हैं छोटे छोटे बाइट्स में, तो उसी प्रकार से जो हमारे अंदर भी ट्यूब में, जो हमारी ये ट्यूब है उसके अंदर जो खाना जा रहा है वो भी छोटे छोटे से ऐसे पार्ट्स में होके जाता है, यही पैरिस्टेलिटिक मूवमेंट कहलाता है, ठीक है. अब देखो, खाना पहले हमारे माउथ में था, अब उसके बाद नीचे जाएगा, कहाँ, पेट में, किसके द्वारा, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ये लिखा है ना, ईसोफेगस, या तो ईसोफेगस कह लो, स्टैंडर्ड नाम है, या फिर क्या कहेंगे, फूड पाइप कह लेंगे. आगे देखिए, द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट. स्टमक है ये हमारा, ये है स्टमक, ठीक है, पेट जैसे कहते हैं अपना. तो ये क्या होता है, जब इसके अंदर खाना जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है. देखा ना, बहुत लोगों का पेट फूल जाता है आफ्टर खाना खाने के बाद. तो देखिए, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विच मोर डाइजेस्टिव जूसेस. अब देखो, कुछ हमने क्या किया था, पहली प्रोसेस यहां से कुछ मुंह में रखा, तो खाने को थोड़ा थोड़ा चबाया, सलाइवा था हमारा, सलाइवा के अंदर क्या मौजूद था, सलाइवरी एमिलेज मौजूद थी, एंजाइम. उसने क्या किया था, जो स्टार्च था उसको शुगर में कर दिया था कन्वर्ट, सिंपल शुगर में. अब खाना नीचे आ गया, स्टमक के अंदर और भी चीजें होंगी, अब फर्दर जो खाना है उसको और तोड़ा जाएगा छोटे छोटे पीसेस में.
डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो जो खाना की पचने वाली जो प्रोसेस होती है ये पेट में किसकी मदद से हो पाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये पेट की दीवार पे मौजूद होते हैं, ठीक है, वॉल्स ऑफ द स्टमक पे मौजूद होते हैं। इनके अंदर क्या क्या होता है, देखो ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है हमारे। और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग, पहले हमने क्या करा था, स्टार्च का काम किया था, मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अब पेट के अंदर क्या डाइजेस्ट होगा, मतलब क्या छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन। और एक और चीज होती है म्यूकस, ये तीन चीज रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है, गैस्ट्रिक वॉल जो स्टमक के अंदर है वो तीन चीजों को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, एंड म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, कफ टाइप का जो होता है वो। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin। देखो इससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होता है कि ये एसिड है तो एक एसिडिक मीडियम बना देता है, क्योंकि खुद ही एसिड है, जिसकी वजह से जो एक्शन होता है एंजाइम का पेप्सिन का वो तेज हो जाता है। What other function do you think is served by the acid? आपको क्या लगता है कि ये एसिड जो होता है हमारे पेट में, इससे क्या और functions होते होंगे जो ये करता होगा? So acid जो भी bacteria हमारे खाने में जाते हैं उनको kill कर देता है। Mucus क्या करता है, mucus हमारे, देखो हमारे ये wall जो होता है एसिड निकालता है, और आपको पता है कि एसिड कितना खतरनाक होता है, वो जला सकता है। दैट इज वाई ये जो म्यूकस है नॉर्मल कंडीशन पैदा करके रखता है ताकि हमारा पेट ना जल जाए एसिड से। और कई बार क्या होता है, हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड है और हम एसिडिक फूड खा लेते हैं ज्यादा, तो हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी, क्योंकि जो बैलेंस होता है म्यूकस और एसिड का वो बिगड़ जाता है। देखो यहाँ पर भी वही बात की गई है एसिडिटी की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, हम क्यों हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एसिड मौजूद है और हम ऊपर से और ज्यादा एसिड ले लेते हैं, तो जो म्यूकस है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और एसिड पेट में भर जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine। तो देखो जहां पर ये पेट खत्म हो रहा है ना, वहां पर एक मसल होती है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल, यहाँ पर इस एरिया में। तो वो क्या करती है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो खाना होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डालती रहती है, ठीक है। ये अंदर के टाइप में स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा खाना रिलीज करती रहती है। From stomach the food now enters the small intestine। और अब आपको पता पड़ गया है कि food stomach से जो small intestine है वहां पर खाना sphincter muscle के through जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और small intestine longest part होता है alimentary canal का। अभी हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था कि alimentary canal क्या होता है, तो पूरा mouth से लेके यानी जो anus तक आपका alimentary canal है, और इस एलिमेंट्री कैनाल को हमने बहुत अलग अलग भागों में बांट दिया, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस। तो उसका जो सबसे लंबा वाला हिस्सा है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो क्या होता है हमारा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वो क्या करता है, विच इज फिटेड इन टू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। और एकदम मोड़ा मोड़ा, देखो आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर किस प्रकार से ये कॉइल की तरह, कॉइल क्या होता है, एकदम घुसी हुई, रोटेट हुई, लिबड़ी हुई, एक दूसरे में रखी होती है, उसी प्रकार से ये भी है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट। तो जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, यानी वेज खाते हैं बिल्कुल। हर्बीवोरस ईटिंग
ग्रास नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। तो जो ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे गाय हो गई, गाय भैंस हो गई, है ना, इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और भी ज्यादा लंबा होता है, बिकॉज इन ये जो खाना खाते हैं प्लांट्स ग्रास वगैरह उसके अंदर सेलुलोज होता है और जो पचने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसकी वजह से गाय भैंसों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो और ज्यादा लंबा होता है। पर जबकि देखा जाए कि जो मीट होता है, मीट को पचाना आसान होता है, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर हैव शॉर्टर एंड स्मॉलर इंटेस्टाइन। और जो भी मांसाहारी होते हैं एनिमल्स उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है क्योंकि वो मीट खाते हैं एंड मीट को पचाना आसान होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये बात आपको याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किस किस का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का, ठीक है। इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। अब ये सीक्रेशन क्या होता है, जूसेस होते हैं जो यहाँ ऊपर लीवर में भी होते हैं और नीचे इस पैनक्रिया में भी होते हैं, जो रिलीज करते हैं पेट के अंदर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो दैट और ज्यादा खाने को पचने में हेल्प मिल सके। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब देखो हमारे पेट में था एसिड, तो इसीलिए जो खाना पेट से निकल के अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो उसको कैसा अल्कलाइन बनाया जाता है ताकि जो पैनक्रिया से एंजाइम निकलेगी, पैनक्रियाटिक एंजाइम, वो उस पर काम कर सके। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से। बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल जूस किस पे काम करता है, फैट्स पे, ये याद रखना। और बाइल जूस कहाँ पर होता है, लीवर में स्टोर्ड होता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। अब जो फैट्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम इन पे एक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो बाइल सॉल्ट है जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जो हमारा लीवर है जिसके अंदर बाइल जूस है उसमें बाइल सॉल्ट्स हैं और वो बाइल सॉल्ट्स फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कर देती हैं जिसकी वजह से जो एंजाइम्स होती हैं वो अपना काम आसानी से कर पाते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट इन चैप्टर 4, ठीक है। द पैनक्रियास ये चैप्टर 4 में है हमारा, सो साबुन को लेकर है, तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। द पैनक्रिया सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। देखो आपसे एक नंबर को ये भी पूछ सकता है कि कौन सी एंजाइम पैनक्रियास रखता है या रिलीज करता है, तो आप क्या बताओगे, ट्रिप्सिन बताओगे, ठीक है, ट्रिप्सिन। फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो देखो पैनक्रियास के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर दो हमने एंजाइम देखी, एक तो देखी ट्रिप्सिन जो क्या करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और एक देखी लाइपेज जो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है इमल्सिफाइड फैट्स को। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी भी दीवारों में क्या होता है, जूस सीक्रेट होता है जो रिलीज होता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और अब जो प्रोटीन था, इतनी देर से प्रोटीन पे हम काम कर रहे थे, फाइनली इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स है इस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कर देंगी, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कर देंगी। Digested food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. तो देखो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन छोटे छोटे से होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और इन विली की मदद से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है ना। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी जल्दी हो जाएगा। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और इसी से क्या होता है, विली की मदद से ये एक तरीके से क्या होती है, ब्लड सेल से कनेक्ट होती है, जिसकी मदद से जो भी हमने एब्जॉर्ब किया है खाना उसको हर सेल तक बॉडी के पहुंचा देती है। एंड यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, ये सारा काम होता है। अगर विली नहीं होंगी तो ये सब कैसे होगा। द अनएब्जॉर्ब फूड, जो खाना नहीं पच पाया था, दो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये वाला खाना पहुंचता है तो यहाँ से ज्यादा जितना पानी सीक्रेट कर सकते हैं उतना पानी सीक्रेट पानी एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, और बाकी का बचा कुचा जो मटेरियल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से थ्रू एनस। द एग्जिट ऑफ दिस मटेरियल वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। देखो ये स्पिंचर वाली बोन मसल वहां पर भी थी जब हम क्या कर रहे थे, स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जा रहे थे, तब भी स्पिंचर थी। ठीक है, एक मसल होती है जो रेगुलेट करती है कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीज पास करे, और ये अब एनल स्पिंचर है जो एनस के पास होती है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। अब यहाँ पर डेंटल केरीज के बारे में दे रहा है तो ये भी देख लेते हैं। डेंटल केरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, इट बिगिंस। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके दांत में कीड़ा लग जाता है, ऐसा कहते हैं, होल हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, कैविटी हो जाती है। पहली चीज, हमारे दांत बने होते हैं इनेमल के। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन और डिमिनरलाइजेस द इनेमल। हम इसलिए तो कहते हैं कि चॉकलेट्स कम खाओ, मीठा कम खाओ, क्योंकि हम मीठा खाएंगे उसमें बैक्टीरिया काम करेगा और देन वो एसिड रिलीज करता है जिसकी वजह से ये सब हो जाता है हमारे दांतों में। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लैग, और इससे क्या होता है, डेंटल प्लैग भी बनता है हमारे दांतों पर। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर्स द टीथ, और सलाइवा पहुंच नहीं पाता है दांतों तक, क्यों, क्योंकि जो हमारा टीथ होता है उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, प्लेग की एक तरह से चादर चढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें ना डेली ब्रश करना चाहिए ताकि वो जो पीला पीला सा रहते हैं हमारे दांत वो सही हो जाए और खराब ना हो, इसलिए डेली ब्रश करना चाहिए, और कर सको तो रात में जरूर ही करा करो। ठीक है, अब इसके बाद है रेस्पिरेशन, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।